नमस्कार मेरे किसान भाइयों, फार्मिंग एसके में एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भाई आसिफ भाई के गांव में, गांव जोला। तो भाई बहुत दिनों बाद आसिफ भाई ने बुलाया, भाई मेरा लहसुन खुदरा, तो उनको भाई जी आके हमारी वीडियो बनाओ और लहसुन के बारे में थोड़ी सी भाई से जानकारी लेते हैं। ये ऐसे किसान है भाई, हमेशा कोई भी फसल लेते हैं उसके साथ सह फसली जरूर करते हैं। सह फसली का मतलब जैसा लहसुन लगा दिया या फिर प्याज लगा दी, तो ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें ये लगाते रहते हैं। तो एक बार आसिफ भाई जी से जानकारी लेते हैं, इन्होंने लहसुन किस बेस पर लगाया था और किस कैसे लगाया था और क्या क्या इन्होंने इसमें मेहनत करी। और देखो जी आज इनकी लहसुन की खुदाई भी चल रही है, देखो ये मजदूर भी लग रहे हैं साथ में। और देखो आप नीचे देख सकते हो ये लहसुन सारा खुदा हुआ पड़ा है। तो आसिफ भाई जी क्या हाल चाल है? बड़े जी सब इसके सभी किसान भाई को नमस्कार और सभी किसान भाई को सलाम वालेकुम। किसान भाई आज सागर भाई हमारे पास में आए और हमने बुलाया था इन्हें फ़ोन करके, क्योंकि आज हमारा लहसुन पट रहा है और मैंने इसमें 0/1 वैरायटी बो रखी है किसान भाइयों, और बहुत अच्छा खड़ा है, आपको देख भी रहा होगा। और क्या नाम है, मैंने लहसुन इसलिए बोया था किसान भाइयों क्योंकि लहसुन जो अक्टूबर में गन्ना बोते हैं उसमें लहसुन बोना चाहिए। सरसों में तो ज़्यादा रोग आते हैं तो लहसुन में कम आते हैं जी। तो किसान भाइयों जैसे कि भाई ने बताया, देखो CO 118 का बीज बो रखा और देखो जी कितना शानदार पौधा गन्ना निकल रहा लहसुन के साथ। और मोटाई देख सकते हो आप पौधे की, कितना मोटा पौधा निकल रहा, जबरदस्त लहसुन भी हमारा हो रही है। देखो और देखो जी लहसुन की भी आप गांठ देख सकते हो, देखो खराब नहीं होता लहसुन जी हमारा ये। अच्छा नहीं जी, क्या नाम है, और लहसुन बोल के बेकार हो जाए आपका। मेरा पिछले साल लहसुन अपने लग रहा पर खराब नहीं होगा। देखो जी कितना अच्छा लहसुन है, गांठ भी बहुत मोटी मोटी है लहसुन की, बिल्कुल शानदार लहसुन हो रहा। तो आसिफ भाई कितना खेत बो रखा आपने और ये बताओ जी? 1.5 बीघा है जी पूरा। अच्छा 1.5 बीघे में आपने लगाया था? हाँ जी। अच्छा जो लहसुन किस टाइम पे लगाया था, कौन से महीने में लगाया था आपने? ये अक्टूबर में लगाया था मैंने जी, नवंबर से पहले। अच्छा अक्टूबर में आपने इस गन्ने की बुआई करी थी? 28 अक्टूबर को बुआई करी थी। अच्छा और साथ में आपने इसमें लहसुन लगाया? मैंने मतलब पहले तो ये बुआया जी इसमें सूखे में, और मैंने 28 इंच बुआई करी इसकी, और उसके बाद फिर मैंने मैडी मार के मैंने फावड़े से मट्टी करी। अच्छा थोड़ा खेत था तो उस कारण मैंने फूट पड़ा, फावड़े से मट्टी करी इसकी। अच्छा करने के बाद में मैंने जी फिर इसमें लहसुन लगाया, लहसुन इस तरीके से लगाए। लगाने के बावजूद फिर मैंने इसमें दवाई, तो तुम्हें किसान भाई को मैंने बता भी रखी वीडियो में तुम्हारे चैनल पर, कोई नहीं तो मैंने इसमें गिर दी जी डाई और थाइमोक्सम और रिजेंट और सल्फर, ये दवाई डाली थी बोले में। तो अब आप जैसा ये आपने 1.5 बीघे लहसुन लगा रखा हाँ जी, तो जैसा आप तो लगाते रहते हो हर साल लहसुन, तो मैं हर साल लगाते हो, तो मतलब जैसा आप ये लहसुन लगाते हो इसमें मतलब जैसा 1.5 बीघे आपने लगाया, तो 1.5 बीघे में मतलब क्या मतलब कितने क्विंटल निकल जाता है? 1.5 बीघे माने चलो जी, पर हमारे 10 क्विंटल लहसुन हो गया था जी, 1.5 बीघे उससे 1 बीघे तो कुछ ऊपर था जी। अच्छा 1.5 बीघे में 10 क्विंटल लहसुन हो गया। और आपके क्या उम्मीद है? आपको उम्मीद माने चलो कि मैं लहसुन 10 से 12-13 क्विंटल लहसुन हो जाएगा जी। 12-13 क्विंटल हो ही जाएगा। हाँ जी चलो जी, इससे फिर क्या है थोड़ा सा पौधे में रोग भी कम आता है। हाँ जी रोग कम आता है, फंजी साइड का बहुत अच्छा काम करता है। इसका फायदा ये है कि गन्ना देगा तो हम कैसा होगा, एक तो दवाई कम डालनी पड़ेगी। हाँ और ये 15-23 था लहसुन का, 11 बार बन रहा था जी पूरा, 11 बार बन रहा था, 11 बार सीधी से। देख सकते हो किसान भाइयों कितना शानदार गन्ना खड़ा हुआ है भाई का, पौधा गन्ना निकल रहा, CO 118 का बीज लगाया नया। और देखो जी साथ में मजदूर भी लगे हैं, खुदाई चल रही है, मैं आपको और पास जाकर दिखाता हूँ। ये मुझे लग रहा आसिफ भाई के पिताजी हैं। हाँ जी ये देखो जी आसिफ भाई के पापा जी भी मतलब लहसुन खोद रहे, और देखो जी 3-4 मजदूर भी लग रहे बेचारे, खुदन धूप हो रही बहुत। और देख सकते हो लहसुन, ये देखो पीछे की तरफ देखते जाओ, ये देखो ये देख सकते हो आप पीछे को, ये सारा लहसुन खुदा लग रहे, सूखे में खोद रहे। कालीन का गन्ना किसान भाई को जरूर बोना चाहिए हैं, कालीन का जो गन्ना है अक्टूबर का, हाँ किसान भाई को जरूर बोना चाहिए। ठीक है गन्ना का रिजल्ट का पता लग जाए कितना गन्ना बच सके और कितना लिकाड़ कर सके, कितना लिकाड़ कर सके। हाँ जी 15-23 हमारे 130 क्विंटल भी लिकाड़ था जी, गोला 3500 गोला सुधा। ये देख सकते हो जी साथ में ही बिल्कुल जहाँ पे लहसुन बो रखा भाई ने, बिल्कुल साथ में इनका ये बीज का गन्ना छोड़ रखा, देख सकते हो जी कितनी हाइट हो रही इस गन्ने की और कितना बेला गन्ना खड़ा। 39 है ये तो जी, और 0239। हाँ जी देखो जी 0239 का ही सीड है, और देख सकते हो जी कितनी बार बंद रहा और कितनी हाइट हो रही है। बीज के लिए छोड़ रखा ना आपने? हाँ जी बीज के लिए छोड़ा, बुआई 43 बीघे बोना जी, 43 बीघे गन्ना बोना अभी। बोना जी देखो जी 43 बीघे गन्ना बोना भाई जी को, और सारा बीज छोड़ रखा। और देखो साथ में ही पेड्डी का फुटाव भी दिखाता हूँ कितना शानदार आ रहा है। ये देखो इधर आ जाओ, आ जाओ आसिफ भाई इधर आ जाओ। ये देखो जी जिनमें छिलाई कर दी इन्होंने उसके साथ देख सकते हो पेड्डी का फुटाव भी बहुत ही जबरदस्त आ रहा। देखो जी क्या नाम है ना, ये देखो जी 39 क्या डालते हो आप ये बताओ ना। देखो ये देखो इनसे पूछते हैं
ये देखो एक ही पौधे में कितने पौधे निकल रहे हैं, ये 38 का झुंड है, मतलब 239 का। और देखो जी एक ही झुंडे में कितने पौधे निकल रहे हैं, मेरे हिसाब से 18-20 पौधे हैं। डॉक्टर आशु जी थे, उन्होंने बताई थी कि अल्लाह कल मैं दवा ला था याद कीजिए, परली मुड्डे तस्वीर वगैरह। डॉक्टर आशु जी यहाँ के बड़ौद के पास के। कौन सी दवाई लाई था आप? उन मेरे नाम दवाई का याद नहीं जी, उन्होंने बताई थी, मैं तो बस क्या नाम है थोड़ा सा बोल गया, जानकारी भी जी। चलो कोई नहीं, और लाया हमारे गाँव में लाला है जी रोड पे, उनके वहाँ से ले रही जी इसके। चलो देखो जी भाई साहब कितनी शानदार फुटा हुए पिड्डी में देख सकते हो, और बढ़िया जबरदस्त, और साथ में आप ये देख सकते हो कि कितना बढ़िया मतलब गन्ना भी खड़ा हुआ है। देखो इन्होंने ढूंढ रखा, गोले काट रखे ऊपर से नियार की, तो नियार का भी तोड़ा, और देख सकते हो सारा कितना शानदार गन्ना। बहुत अच्छे किसान है भाई और बहुत ही मेहनत करते हैं। और देखो जी पिड्डी में इनका बिल्कुल भी घास नहीं है, इसकी नुलाई करो मुझे, क्या नाम है गन्ने की। अच्छा इसमें घास नहीं है अभी, वैसे अब भी इसकी नुलाई करो, नुलाई करो मुझे इसकी गाय, और फिर इसमें मील से करो क्या नाम है क्रोजन वे करते थे हम, आपका तुम्हारे पास में लगोगे ये तुम बता रहे थे। चलो वो भी ठीक है, ये देखो जी इनकी पेड्डी में बिल्कुल भी घास नहीं है, और उसके बाद भी ऐसे नुलाओगे और फिर पेड्डी की और शानदार। मैं एक पेड्डी ऊपर लेवल लिया 39 पेड्डी पर ली खम्भा ले जाकर जी, उसका देवगा शानदार मुट्ठी खड़ी है। चलो जी उस पर चलते हैं आपके दूसरी पेड्डी पर। ठीक है वासी भाई जी, नमस्कार।